गाइस, आज हमारा मथुरा में तीसरा दिन है और आज हम इस रूम को छोड़कर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन की यात्रा करने बरसाना, और जहाँ भी पूरे दिन में जा पाएंगे देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और इस यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमें रूम सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी मिली और सब लोग तैयार हो गए हैं। जी देखिए गाइस, हमने सारा सामान पैक कर लिया है और सब रेडी हैं जाने के लिए गोकुल बरसाना। कार्तिक कह रहा है मान जाओ। ये देखिए बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक ले लेके पहले ये फ्रिज में रख ली थी और अभी ये रास्ते में पियेंगे। ये सारा लगेज हमारा पैक हो गया है और हमें इस रूम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है हमें सबको। ओवरऑल होटल का, जबकि एक धर्मशाला है, होटल है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी फैसिलिटी 5-star फैसिलिटी है। इतनी अच्छी फैसिलिटी तो शायद 5-star में भी ना हो। क्लीनलीनेस, बिहेवियर ऑफ स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा मिला हमें यहाँ पर। और जब भी आप कभी आए तो हम आपको यही धर्मशाला में रूम लेने के लिए रिकमेंड करेंगे। सामान वगैरह हमारा सब पैक हो गया है, अब हम गोकुल बरसाना जाने के लिए रेडी हो गया और हमारी कैब नीचे आने वाली है और रास्ते में ही अभी हम चाय वगैरह रास्ते में ही पियेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी चाय नहीं ली है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट 8:30 बजे शुरू होता है और आगे भी अगर हमें कभी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, बाकी बिहारी जी बुलाएंगे, तो हम इसी रूम को लेने के लिए कोशिश करेंगे पूरा इस होटल में। होटल नहीं, धर्मशाला पर हमें होटल लेना। और ये अब हमारा सामान नीचे रखवा रहे हैं। तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया, फूलों सा जीवन निखर गया। हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया है इस ढाबे में नाश्ता करने के लिए। तेरे नाम की हवा चली जब तेरे। सबसे पहले मंदगांव जा रहे हैं और ये देखो छोटे छोटे गांव रास्ते में पड़ रहे हैं। हमें ब्रज भूमि के गांव देखने का मौका भी मिल रहा है आज। इस गांव का नाम है ब्रजवारी। नंदगांव पहुंचकर ज्वाइन करते हैं आपको। तुमसे मिल करके सांवरे, तुमसे मिल करके सांवरे, फूलों सा जीवन निखर गया। नंद भवन ब्रज में भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के सुंदर यादों को जीवित करता है। नंद भवन की पवित्रता और सुंदरता को देखकर ये स्थल कान्हा के बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। यहाँ के वास्ट कॉम्प्लेक्स से आपको नंद भवन की महिमा का अंदाज़ा हो जाएगा। मंदिर की सीलिंग खूबसूरत चित्रों से सजी हुई हैं और यहाँ मंदिर में नंद बाबा, माँ यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम, प्यारी श्री राधा और अन्य पारिवारिक सदस्य की मूर्तियाँ भी हैं। ये मुख्य द्वार है पर यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पे सामने मूर्ति है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी माँ यशोदा के बुलाने पर यहाँ आया करती थी और माँ यशोदा उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। ये स्थल हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बरसाना के कीर्ति मंदिर में। ये ऐसा एकमात्र मंदिर है दुनिया में जहाँ पे आपको श्री राधा रानी के दर्शन उनकी माता कीर्ति मैया की गोदी में होते हैं। यह मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। रेतों के महल थे आँखों में, क्या कहूँ ख्वाब मेरे कैसे थे। तेरी शरण में आते आते ही, तेरी शरण में
आते आते ही हर सपना मेरा सवर गया। बरसाने वाले की जय। कीर्ति मंदिर के दर्शन में बहुत अच्छे तो हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर बरसाना, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। कुछ लोकल जीप वहां तक छोड़ देती है, इसलिए हम जीप में बैठ गए हैं सब और पहुंचकर आपको दिखाते हैं राधा रानी के दर्शन। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना गाँव में। ये स्थल है श्री राधा रानी की जन्मभूमि। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर श्री राधा रानी की महिमा और प्रेम को महसूस करते हैं। यह मंदिर पहाड़ पर स्थित है, इसके लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। यहां आपको 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे आप श्री राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक एक और रूट है, जिसके द्वारा आप कार से मंदिर पहुंच सकते हैं। साना गांव में हम पहुंच चुके हैं लाडली जी मंदिर, जो है श्री राधा रानी का मंदिर। यह मंदिर लाडली जी या श्री जी के नाम से मशहूर है। यहाँ की कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए बरसाना आया करते थे। आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाना में होली खेलने आते हैं। इस पवित्र उत्सव को देखने के लिए लोग पूरे विश्व भर से आते हैं और यहाँ होली का उत्सव मनाते हैं। मंदिर पूरे साल आत्मिक शक्ति से भरा रहता है, लेकिन राधा अष्टमी और होली जैसे त्योहारों के समय यहाँ की आत्मिक माहौल में और भी ऊर्जा का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग। नंदगांव मंदिर की शांति, कीर्ति मंदिर का महत्व और लाडली जी मंदिर की खूबसूरती, हर स्थल ने हमारे दिल को छुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।